हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज प्रोवाइडर में। दोस्तों, आज जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो कश्मीर में जो है उस समय राजतंत्र था और राजा हरी सिंह जो थे वहाँ के राजा थे, और उन्होंने हमला किया कश्मीर विलय पर। जो है इन्होंने ये हस्ताक्षर किया, क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान जब बना था, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है इस पर हमला कर दिया था, ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया, इसने भारत में विलय कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों के पुनर्गठन के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो द्विभाषी राज्य मतलब दो भाषा वाले, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बॉम्बे और पंजाब जो है द्विभाषी राज्य बन गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारत संघ का राज्य का हिस्सा कब बना? तो याद रखिए गोवा जो है 1987 में भारत का राज्य बना, ठीक है, 1969 भी कहीं कहीं पर, ठीक है, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है भारत का राज्य बना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल, चलिए यहाँ पे देखिए लॉर्ड माउंटबेटन है। और यदि बात किया जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वैसे तो अंग्रेज गवर्नर जनरल अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, और यहाँ पे भारतीय अंतिम भारतीय जो थे वो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? देश के विभाजन से पंजाब और बंगाल जो है प्रभावित हुआ था। बंगाल का तो दो दो बार विभाजन हो गया था, जिसके बाद बिहार बना, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल बन गया, फिर उसके बाद बिहार से उड़ीसा और झारखंड अलग हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था? चलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल अभी जो है 29 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना नया बना है तो उसके बाद 29 हो गया। चलिए उसके बाद है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारत के संविधान के 8वीं सूची में भाषाओं की सूची है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, और जब अस्थाई अध्यक्ष पूछ दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो गए आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना? तो असम से जो कटकर नागालैंड बना था, याद होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल जो है 7 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम भारत का जो हिस्सा है 1975 में बना, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए,
भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, भारत में विविधता की एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अपने भाषण में बोले थे कि भारत में जो विविधता में एकता जो दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गोवा दमन व द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? गोवा दमन व द्वीप में जो है पुर्तगाली लोग थे, ठीक है, और पुर्तगाली लोग सबसे लास्ट में गए, अंग्रेजों के बहुत बाद भी गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत कौन थे? तो स्वतंत्रता पश्चात जो देसी रियासत है वो जूनागढ़, हैदराबाद और नफजगंज, ठीक है, जूनागढ़ भी था और हैदराबाद भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, घ, और एक और था कौन सा, जम्मू कश्मीर, जो बाद में विलय किए थे राजा हरि सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 562 देसी रियासतों को जो है भारत में मिला दिया, और इतना बड़ा भारत जो देख रहे हो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ख़त्म हो गया दोस्तों, आज जो है आज के लिए इतना ही, और अब जो है अगर नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा अगर नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।